ये बाबा जी जो है चल नहीं पाते थे और एक व्हीलचेयर में बैठ के आए थे। मेरे एक फ्रेंड है कनाडा में, उन्होंने इनको भेजा था क्योंकि उनके फादर का भी मैंने ऑपरेशन किया था। 85 ईयर्स इनकी एज थी, तो ये कहने लगे कि जो है हो जाएगा क्या। कार्डियक चेकअप कराया तो इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 35 ही था। मैंने कहा सर कर तो सकते हैं लेकिन रिस्क है काफ़ी ज़्यादा, तो ये तैयार हो गए उसके लिए। हमने इनका ऑपरेशन करा और नेक्स्ट डे हमने इनको चला दिया था, और उससे अगले दिन मतलब थर्ड डे सेकेंड डे बल्कि हमने इनकी छुट्टी कर दी थी। और बाबा जी बड़े खुश होके गए हैं, और इन ऑपरेशंस को हम यहाँ पर काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं। ज़्यादातर मैं स्पाइन का ही ऑपरेशन कर रहा हूँ और मैं न्यूरोसर्जन हूँ। पीजीआई से मैंने किया है और उसके बाद 1 साल अमेरिका में और 1 साल फ्रांस में ट्रेनिंग की। पटलावा जरा शहीद भगत सिंह जी बाबा गुरबचन सिंह जुआ जो कि रीढ़ की हड्डी तो पीड़ित सी उन्हों का चैकअप कराने वास्ते माई हस्पताल मोहाली विखे लेके आए, जो कि डॉक्टर दीपक त्यागी जी उन्होंने बड़े सुचे ढंग नाल चैकअप किया। चैकअप करने तो बाद रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जो कामयाब रहा। अज हरसन हस्पताल तो छुट्टी मिल रही है। असं बड़े संतुष्ट हाँ कि बाबा जी का ऑपरेशन सुरक्षित ढंग ने किया गया, सलाम सही सलामत होया। असी बाबा जी उन्होंने समूह सेवा का डॉक्टर दीपक त्यागी जी और समूह हॉस्पिटल मैम स्टाफ नर्सिंग का और सारे स्टाफ का अति धन्यवादी है जी, उस ढंग न इलाज किया और साढ़े नाल चंगा व्यवहार किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।